हेलो एवरीवन, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपकी पूनम फिर से आपके लिए हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल से बने हुए लड्डू, वो भी बनने वाले ही गुड़ से। तो बहुत आसानी से बनाना, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है तिल, सफ़ेद वाले तिल। आप चाहे तो काले तिल भी बना सकते हैं, लेकिन काले तिल में ज़्यादा थोड़ा कचड़े होते हैं, व्हाइट वाले अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर तवा को गर्म किया है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम भून लेंगे। देखिए इतना मैंने कलर रखा। आप चाहे थोड़ा सा व्हाइट भी रख सकते हैं, तो हल्का सा डार्क भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी को भून लिया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। देखिए मैंने इतना ही कलर रखा है। उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 3 पीस मैंने यहाँ पर गुड़ डाली हुई है, थोड़ा सा पानी, और अच्छी तरह से हम पिलाकर गुड़ का पाक बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर चाहे तो 1 चम्मच घी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद चेक करने का सही तरीका है, मैंने एक कटोरी में लिया है पानी, उसमें गुड़ का 2 से 3 बूंद टपका दिया है। देखिए पानी में जाते ही इस तरह से टाइट हो जाएगी, समझ जाइए परफेक्ट यहाँ पर आपने सही तरीके से पाक बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देने हैं तिल, जो मैंने भून के रखा हुआ था। तो आपको पहले फ्रेंड्स यहाँ पर गैस को बंद करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो गुड़ काले पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा मूंगफली के दाने, मैंने भून के छिलके निकाल लिए थे। आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं मूँगफली को, लेकिन डालने से टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी को मिक्स किया है। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पर लगाया थोड़ा सा हाथों में घी, आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं, और छोटे छोटे इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लड्डू बनकर रेडी हो चुका है, बस सभी को हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर जरूर से बनेगा फ्रेंड्स। सभी लड्डू तो एक से एक बढ़ के होते हैं, लेकिन तिल काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, सभी घर पसंद किए जाते हैं। तो चलिए मैं सभी को इस तरह से फटाफट बनाकर रेडी कर लेती हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर से क्लिक करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर ले बिल्कुल फ्री में, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी को लड्डू बना लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। और अगला रेसिपी के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलते हूँ, थैंक यू, बाय बाय।